हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैशन स्टडी एंड ग्लैमर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो उन गर्ल्स के लिए हैं जो काफ़ी स्लिम हैं, काफ़ी दुबली पतली और स्किनी हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उन्हें अवॉइड करनी चाहिए और ऐसी कौन कौन सी टिप्स हैं जो कि उन्हें फॉलो करनी चाहिए जिससे कि वो और ज़्यादा स्लिम ना लगें। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साइड में बने हुए बेल बटन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। काफ़ी दुबली पतली और स्किनी गर्ल्स होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर में कपड़े अच्छे नहीं लगते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्किनी बॉडी टाइप होता है वो स्ट्रेट बॉडी टाइप होता है। स्किनी गर्ल्स के शोल्डर्स, वेस्ट एंड हिप सभी एक ही प्रोपोर्शन में होते हैं जिससे कि वो ज़्यादा ही पतली लगती हैं। स्किनी गर्ल्स को अपने बॉडी में थोड़े से कर्व्स ऐड करने पड़ते हैं स्टाइलिंग के थ्रू, खासकर शोल्डर एरिया पर एंड हिप एरिया पर, जिसके कारण वह ज़्यादा पतली और स्लिम नहीं लगती। वेस्ट एरिया पतला लगे इन कम्पेयर टू शोल्डर एंड हिप एरिया, अगर ब्रॉड लगेंगे तो आपकी बॉडी को एक बैलेंस लुक मिलेगा। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जीन्स के बारे में कि स्किनी गर्ल्स को किस तरीके की जीन्स वेयर करनी चाहिए। अगर आप कॉलेज एंड ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स वेयर करती हैं, इन दैट केस आपको अवॉइड करनी चाहिए डार्क कलर की जीन्स और आपको ट्राई करना चाहिए लाइट कलर की जीन्स, जैसे कि लाइट ब्लू कलर की जीन्स, ग्रे कलर की जीन्स, वाइट कलर की जीन्स आप पहन सकते हैं। डार्क कलर आपको स्लिमर दिखाता है एंड लाइटर कलर आपको ब्रॉडर एंड वाइडर दिखाता है, तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप लाइटर कलर की जीन्स पिक करें एंड अवॉइड करें डार्कर कलर जीन्स। इसमें हम बात करेंगे कि आपके जीन्स की किस तरीके की फिटिंग होनी चाहिए। अगर आप स्किनी गर्ल हैं तो आपको अवॉइड करनी होगी फिटेड जीन्स, खासकर स्किनी फिट जीन्स आप बिल्कुल ना पहने क्योंकि ये आपके बॉडी से चिपक कर आती हैं, जिससे कि आपकी लेग्स और ज़्यादा पतली लगती हैं और आपको और ज़्यादा स्लिमर इफेक्ट मिलता है। इसके बजाय अगर आप फिटेड जीन्स पहनना ही चाहते हैं तो आप ट्राई करिए स्लिम फिट जीन्स, जो कि ऊपर से फिटेड होती हैं और नीचे से लूज होती हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेट फिट जीन्स भी पहन सकते हैं, वो भी आपके बॉडी को एक वॉल्यूम देने में हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आपका लोअर बॉडी पार्ट ज़्यादा स्लिमर है तो आप जो जीन्स बाय करते हैं वो पॉकेट्स के साथ बाय करिए। पॉकेट्स आपके बॉडी में कर्व्स ऐड करने में हेल्प करेंगे और विदाउट पॉकेट आपको देगा फ्लैट एंड स्लिमर इफेक्ट। बात करते हैं कि आपको किस तरीके की राइज वाली जीन्स वेयर करनी चाहिए। अगर आप टॉल एंड स्लिम दोनों हैं तो आपको मिड टू लो राइज वाली जीन्स ट्राई करनी चाहिए और अवॉइड करनी चाहिए हाई राइज वाली जीन्स। हाई राइज वाली जीन्स में आप और ज़्यादा लंबे और पतले लगेंगे, लेकिन अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं और साथ ही साथ काफ़ी स्लिम हैं तो आपको हाई टू मिड राइज वाली जीन्स पिक करनी चाहिए। अगर आप हाई या मिड राइज वाली जीन्स पिक करते हैं तो आपकी हाइट बहुत ज़्यादा कम नहीं लगेगी। हाई राइज की जीन्स आपके लोअर बॉडी पार्ट को एक टॉलर फ्रेम देने में हेल्प करेगी और आप लगेंगे उसमें लंबे। तो बात हुई जीन्स की, अब बात करते हैं जीन्स के साथ पहने जाने वाले टॉप्स के बारे में। अगर आप थोड़ी फिटेड जीन्स पहनते हैं तो आप जो टॉप पिक करें वो लूज टॉप पिक करें, एक बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर आप अपर वेयर टाइट पहनते हैं तो लोअर वेयर लूज पहने और अगर आप लोअर वेयर टाइट पहनते हैं तो अपर वेयर लूज पहने, जिससे कि आपके ओवरऑल बॉडी को एक फ्रेम मिलेगा और आपको मिलेगा बैलेंस लुक। इसलिए अगर आपकी जो जीन्स है वो फिटेड है तो आपको जो टॉप पिक करना है वो लूज टॉप पिक करना है। अगर आप फिटेड जीन्स के साथ में फिटेड टॉप पिक करेंगे तो आपका ओवरऑल बॉडी फ्रेम काफ़ी स्लिम लगेगा, इससे आप और ज़्यादा स्लिमर लगेंगे। और साथ ही साथ आप कॉटन की शर्ट्स भी पिक कर सकते हैं, कॉटन का जो फैब्रिक होता है थोड़ा स्टिफ होता है जिससे कि आपके अपर बॉडी पार्ट को एक फ्रेम मिल जाएगा और आप ज़्यादा स्लिम नहीं दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप टॉप पिक करते हैं तो आप ये कोशिश करिए कि जो आपके टॉप की डिज़ाइनिंग हो नेक पर और शोल्डर्स पर, उसके अंदर में फ्रिल वाला पैटर्न हो, फिर काउल नेक हो या रफल डिज़ाइन हो, जिससे कि आपका नेक के पास वाला जो एरिया है उसको वॉल्यूम मिले। साथ ही साथ आपके जो शोल्डर्स है वो भी काफ़ी भरे भरे और ब्रॉडर लगें। टिप ये है कि जो आप अपर वेयर पहनते हैं उसके जो आपके स्लीव्स हों वो पफ्ड स्लीव्स हों। इसके अलावा आप स्लीवलेस टॉप भी पिक कर सकते हैं या आप फुल स्लीव्स के साथ में भी टॉप वेयर कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो स्लीव्स डिज़ाइन आप अपने टॉप के साथ में वेयर कर सकते हैं। स्मॉल स्लीव्स टॉप या मेगा स्लीव्स टॉप अवॉइड करने हैं क्योंकि उससे आपके हाथ काफ़ी पतले दिखेंगे और वो देगा आपको एक स्लिमर इम्प्रेशन, जिससे कि आप काफ़ी दुबली पतली और स्लिम लगेंगी। अगर आप फिटेड टॉप ही पहनना चाहती हैं तो आप इस तरीके के टॉप ट्राई करिए जो कि ऊपर से फिटेड हो और नीचे से उनमें फ्लेयर्स हों। इसके साथ आपके जो टॉप्स की लेंथ है वह शॉर्ट रखिए, बहुत ज़्यादा लंबे टॉप वेयर नहीं करने हैं। टॉप्स के साथ में अगर आप मॉडर्न स्टाइलिश लुक चाहती हैं तो आप पेपलम टॉप भी ट्राई कर सकती हैं, वो भी काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं, आपके ओवरऑल बॉडी को एक स्ट्रक्चर एंड फ्रेम देते हैं जिससे कि आपका प्रॉपर लुक लगता है बैलेंस। पेपलम टॉप बनवाते हुए भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो वेस्ट पर से फिटेड रहें और नीचे से उसमें फ्लेयर ऐड हो जाए, जिससे कि आपकी बॉडी टाइप जो है उसमें ज़्यादा स्लिमर नहीं लगेगी।
इसके अलावा अगर आप टी शर्ट्स पहनने में इंटरेस्टेड हैं तो टी शर्ट भी समर के लिए काफ़ी सूटेबल रहती हैं। आप थोड़ी सी लूज फिटिंग की टी शर्ट भी ट्राई कर सकती हैं। कलर की बात करें तो जो स्किनी गर्ल्स होती हैं उनको लाइट कलर प्रेफर करने चाहिए अपने टॉप्स के लिए भी और जीन्स के लिए भी, क्योंकि अगर वो लाइटर कलर पिक करती हैं तो लाइटर कलर हेल्प करेंगे उनको वाइडर एंड ब्रॉडर लुक देने में, जबकि डार्कर कलर्स उनको देते हैं स्लिमर होने का इम्प्रेशन। फ्रेंड्स, इसके साथ में एक टिप और है, जिनका अपर बॉडी पार्ट ज़्यादा स्लिम है तो वो अपने अपर बॉडी पार्ट को थोड़ा सा हैवी दिखा सकते हैं बाय एडिंग लेयर्स। आप अपने अपर बॉडी पार्ट्स में लेयर ऐड कर सकती हैं इन द फॉर्म्स ऑफ जैकेट्स, कोट्स, ब्लेजर्स, या फिर अगर आप टॉप पहनती हैं तो उस टॉप के ऊपर में आप शर्ट वेयर कर सकती हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा एक वॉल्यूम क्रिएट करने में आपके अपर बॉडी पार्ट में, जिससे कि वो ज़्यादा पतला नहीं लगेगा। इसके अलावा आप फैब्रिक की जैकेट्स वेयर कर सकती हैं अपने कट स्लीव्स के टॉप के साथ में, वो भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। बात करें आपके लोअर वेयर की, तो अगर आप जीन्स के अलावा प्लाजोज या स्ट्रेट फिट ट्राउजर्स वेयर करती हैं जो कि काफ़ी लूज और कंफर्टेबल होती हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेंगी आपके लोअर बॉडी पार्ट को एक वॉल्यूम देने में, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा स्लिम, स्किनी और दुबली पतली नहीं लगेंगी। ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दुबली पतली स्लिम एंड स्किनी गर्ल्स के बारे में। अगर वो इनको अच्छे से फॉलो करती हैं तो डेफिनेटली ये उनकी बहुत हेल्प करेंगी उनको ब्रॉडर एंड वाइडर दिखाने में। इस तरीके की और भी काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप इस वीडियो के बाद में उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। इस आपके लिए मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी पिक्चर्स ऐड ऑन करी हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आपको किस तरीके की जीन्स एंड किस तरीके के टॉप पिक करने हैं अगर आप स्लिम एंड स्किनी गर्ल हैं। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।